दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर में कंटेस्टेंट के बीच में धक्का मुक्की होना आम बात थी। घर के बीच में लड़कियों के बीच में भी जमकर धक्का मुक्की हुई है और घर के लड़कों के बीच में भी इस सीजन जमकर धक्का मुक्की हुई है। लेकिन दोस्तों बात की जाए मारपीट की, तो आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी के घर में इस समय एक टास्क चल रहा है और इस टास्क के दौरान जिशान खान और प्रतीक सेजपाल के बीच में जमकर मारपीट हुई है और यहां तक कि दोनों ही कंटेस्टेंट को चोट भी पहुंची है, जहां जिशान खान के सीने पर प्रतीक के नाखूनों से कट लग गया और खून बहने लगा, तो वहीं प्रतीक सेजपाल के हाथ पर भी जिशान खान के द्वारा चोट पहुंचाई गई है। यहां तक कि जिशान ने तो प्रतीक सेजपाल के मुंह पर भी दे मारा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, घर के अंदर जमकर हाथापाई हुई है और ये दोनों ही कंटेस्टेंट एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। दरअसल दोस्तों घर के अंदर शांति से टास्क चल रहा था, लेकिन बिग बॉस ने जिशान खान की फटकार लगाई थी क्योंकि वे लोग इस टास्क को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे थे, जिसके बाद जिशान ने इस टास्क के नियम और भी कड़े कर दिए और ये चीज प्रतीक और उसकी पूरी टीम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जिसके बाद में उन्होंने टास्क की जुड़ी सारी सामग्रियों को तोड़ना शुरू कर दिया और इसी बात को लेकर प्रतीक और जिशान के बीच में काफी जबरदस्त झगड़ा हुआ, जहां पहले तो दोनों कंटेस्टेंट ने लगभग 8 से 10 बार एक दूसरे को जोरदार धक्का दे मारा, लेकिन यहीं पर इन दोनों से रहा नहीं गया तो दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी भद्दी गाली गलौज करना शुरू कर दी। इससे भी दोनों का मन नहीं भरा तो दोनों के बीच में जमकर मारपीट हुई और आखिरकार दोनों को चोट लग चुकी है और खून भी बह रहा है। खैर अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिग बॉस अब इनके इस गंदे कदम पर कोई ठोस कदम उठाते हैं या नहीं। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या बिग बॉस ओटीटी के घर में इस तरीके से सरेआम लड़ाई झगड़ा करना सही बात है या गलत, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस झगड़े में आपको कौन सही लगता है कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिग बॉस ओटीटी की ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले।